सपा सांसद का भड़काऊ बयान। सीएए को लेकर जनपद संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं को भड़काते हुए वीडियो सामने आया है। सपा सांसद माइक से बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोग सीएए और एनआरसी को देश में लागू नहीं होने देंगे। वो लोग मुसलमानों को कमज़ोर करने में लगे हैं, देश में दो नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 31 जनवरी से पार्लियामेंट चलने वाली है, मैं वहाँ भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाने वाला हूँ और मैं आप लोगों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमारी महिलाएं घर से निकलकर यहां बैठी हुई हैं। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग की तरह जनपद संभल के दीपा सराय में भी 100 से अधिक महिलाएं एक टेंट लगाकर विरोध में बैठ गई हैं, जिनके यहां कल रात डॉक्टर बर्क पहुंचे थे और ये वीडियो भी उसी समय का है। हालांकि मीडिया को इस धरने पर जाने की इजाज़त नहीं थी। 31 तारीख को पार्लियामेंट बुलाई गई है, मैं जाऊंगा उसमें, तो लिहाजा पार्लियामेंट ये बहुत हंगामी भी होगी और उसमें हम लोग इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और चाहेंगे कि जो शहरी जो तरमीमी कानून जो पास किया गया है या सीएनआर जो लाई जा रही है, इसकी हम ये सबके खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, खासतौर से मुसलमानों के तो बिल्कुल खिलाफ है। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हम कमज़ोर हो जाएं, हम यहाँ के दो नंबर के शहरी बन जाएं, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमें कितनी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े, तो हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं और आपकी इस कुर्बानी को कि मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ निकलकर हमारे बच्चे यहाँ पर इस ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इंशाल्लाह आपकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और इसका अजर भी अल्लाह ताला हमें देगा और हमारी सुनेगा। हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे, हमें सबसे पहले तो अल्लाह से भीख मांगना है, अल्लाह से दुआ करना है कि वो हमारी खून की हिफाजत करे और हम